खुश कह सकते हैं। माँ कुछ दिनों से बहुत उदास है और हम जब माँ को उदास देखते हैं तो हम उदास हो जाते हैं। तो मतलब वी आर ट्राइंग कि माँ की चेहरे की जो मुस्कान है वो वापस लिए लेकर आ सके हम। तो सभी अपने अपने अंदाज से कोशिश कर रहे हैं कि माँ वापस से थोड़ा मुस्कुरा दे, है ना माँ? मम्मी जी क्या कहना चाहेंगे कि मम्मी जी काफ़ी नाराज़ है लेकिन आज कहीं ना कहीं बेटे रौनक को गले भी लगा के नजर आ रही है। नाराज़गी तो मुस्कान के साथ जो है वो दिखावा है और इंटरनल चीज़ कुछ और ही चल रही है। अगर आप देख रहे हैं शो फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि काजल और मेरा जो आजकल चल रहा है वो काफ़ी टॉर्चरस वाला ट्रैक है। तो वो मतलब नाराज़गी ऐसी कुछ नहीं है, बट बेटा अपनी तरफ से और बहू अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि माँ के चेहरे पर मुस्कान आ जाए। कहीं ना कहीं काजल जो प्लानिंग प्लॉटिंग जो कर रही है तो इसको कैसे मुस्कान अपनी तरफ से वो करने वाली, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमेशा वो एक कदम आगे ही रहती है। हाँ, ये बहुत सही कहा कि एक कदम आगे रहती है और अब तो बहुत हावी हो रही है। माँ के इमोशंस में कहीं ना कहीं दिखता है कि कुछ है जो उनको परेशान कर रहा है। तो रौनक, मुस्कान और पूरा परिवार मिलकर आई एम श्योर कि माँ को इस मुश्किल से निकालने की पूरी कोशिश करेगा। अभी तो हमको कुछ पता नहीं है, माँ अपने आप ही सब कुछ सह रही है जैसे कि माँ करती है, मतलब हर कोई माँ अंदर ही अंदर सब सहती रहती है जब तक है जान, है ना? सो यस, सबके जान को बचाने के लिए माँ ये सह रही है। वील नॉट लेट हर डू दिस फॉर लॉन्ग, बहुत ही जल्द कुछ करेंगे हम। अच्छा, लास्टली अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात किया जाए तो सॉन्ग काफ़ी इमोशनल वाला था, काफ़ी इमोशनल नज़र भी आते ही दिख रहे हैं आप लोग सिंग करते हुए। माँ का जिक्र जब भी आता है और ख़ासकर कैलाश जी ने इतने ब्यूटीफुली दर्द के साथ गाया है तो वो कहीं ना कहीं हर कोई अपनी माँ को याद करके इमोशनल हो रहा था। तो वैसा एक सिचुएशन हो ही जाती है, यू कांट हेल्प इट। जो लफ्ज़ है, जो म्यूज़िक है और जो एक्ट करते हैं सभी, मतलब परफॉर्म हो रहा है, बहुत दिल से कर रहे थे सब, आई थिंक सो वी आर, वी कांट हेल्प इट। सो ऑफ स्क्रीन भी हम काफ़ी रोए हैं, इमोशनल हो गए हैं हम। ओके, थैंक यू सर।